afternoon, guys. तो आज हम जा रहे हैं डीकैथलॉन, जो DLF में है. तो इनको यहाँ, इनको डीकैथलॉन से कुछ लेना है अपना क्रिकेट का सामान. मुझे क्रिकेट के ग्लव्स एंड पैड एंड सम मोर थिंग्स. ग्लव्स लेने हैं, पैड लेने हैं, और एक बैट लेना है, एक बॉल लेनी है. नहीं, बैट तो है, बच्चे की तरह तो नहीं खेल रहा. बॉल नहीं, मेरे को तो ग्लव चाहिए और है कि शायद हेलमेट ले लूं, अगर देखते हैं क्या. हेलमेट? हाँ भाई, जब लेदर की बॉल कहीं लग गई तो खोपड़ी खुल जाएगी. अच्छा. और बारिश हो गई तो जो वो टीम वाले हैं वो नहीं रहते हैं क्या? नहीं रखा रहता है, पर वो उनके पास भी तो प्रॉपर किट होगी. सबके ग्लव्स वगैरह भी हैं, पर अब सबके यूज करना डेली डेली में. अच्छा, तो तुम विकेट कीपर हो. यहाँ तो फिर से ट्रैफिक लग गया यार. यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक. मैं सोच रहा हूँ इसको मैं... उस दिन हम निकले थे मेरे बर्थडे पे, तब भी ऐसा ही था, यहाँ बहुत ट्रैफिक था. तो मैं सोच रहा हूँ इसको उल्टा ले लूँ, क्योंकि यहाँ पे 15-20 मिनट लग जाएंगे. हाँ, और मैं चलता हूँ जस्ट दूसरी साइड से. बिकॉज यहीं से लग गया है ना ट्रैफिक, तो आगे काफ़ी आगे तक होगा, इसलिए हमेशा ना गूगल मैप लगा के चलो, वो बता तो देता है एटलीस्ट ट्रैफिक है कहाँ है नहीं है. बट आई मिस्ड अगेन. वही है ना, अब रास्ते याद हो गए तो कौन ही गूगल मैप को देखता है. ऐसे कुछ टाइम से, कुछ मंथ से गूगल मैप बेकार हरकतें कर रहा है. चलो भाई, देखता हूँ इस रास्ते से भी कहीं ना मिले ट्रैफिक. अच्छा, तो यहाँ पे था ट्रैफिक. कहाँ पे? वो गोल चक्कर पे था ट्रैफिक, ये वाला. देखो यहाँ पे पूरा क्लियर है, बस थोड़ा सा ही था, एक मिनट बता. लो, क्लियर भी हो गया, इतने दिन हम घूम के आए. इतने दिन हम घूम के आए, इतने दिन क्लियर है. इतनी देर हम घूम के आए, इतनी देर में क्लियर हो गया. बारिश भी हो गई वहाँ पे. वो चौराया है ना, तो चारों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं, तो लग जाता है. कोई रेड लाइट नहीं है, कुछ नहीं है. हम आ गए हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे. क्या कल चलेगी तुम मैच देखने? मैच देखने कितने बजे है? 8 बजे, 7:30 बजे मैच है. नाइट मैच है तो कल मैं चलना तो चल लेना. लेट्स सी. चीयर करने जाऊं मैं तो? फिर कमर दुखेगी. ज्यादा बैटिंग क्या अच्छी बात है, आउट नहीं हुए. हाफ सेंचुरी मार दी. तो अब हम आ गए हैं DLF मॉल में. तो अब हम जा रहे हैं डीकैथलॉन की तरफ. वो सामने दिख रहा है ना, वही है डीकैथलॉन. वहाँ पे एक बार एंट्री करवाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं. हाँ, उधर हो वॉशरूम. ये DLF वालों ने अब लगा दिए हैं, ताकि कोई यहाँ से कूद के ना गिर जाए. थर्ड फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर पे लगा दिए, फर्स्ट पे नहीं लगे हुए. फर्स्ट पे तो बच जाएगा, बाकी नहीं बचेगा. ये देखो, घुसा ली आंखें मोबाइल में, सारा दिन मोबाइल, सारा दिन. तो आ गए हैं हम डीकैथलॉन. बहुत ही बड़ा अच्छा सा बनाया हुआ है इन्होंने, ये इसकी एंट्री.
ये तो नॉर्मल ग्लव्स हैं, नॉर्मल है, मुझे लेने हैं क्रिकेट वाले, लेने हैं क्रिकेट वाला सेक्शन उधर है, उधर चलो वहाँ चलते हैं। ये साइकिल है, ये हमने बहुत बार सोचा लेने का पर कभी ले नहीं पाए 10,000 की, 3,000 की मिल जाती है हमारे उधर, ये गियर वाली होगी ना ये। ग्रीन वाली ये है, ये लॉक लगाया हुआ है इसने, निकल नहीं रही है। तो यहाँ पे हम ना चेक भी कर सकते हैं कि हमें कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, काफ़ी चीज़ है यहाँ डीकैथलॉन में, साइकिलिंग कर सकते हैं हम, बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं और स्केटिंग भी कर सकते हैं। अच्छी नहीं है ये, चलो चलो फिर रहने दो। उसकी ये है ना फर्जी की, वाइट की कलर की 6,000 की लेके गया वो यहाँ से। और ये अगर सारे इक्विपमेंट्स हम लेते हैं तो ये है इसके प्राइस, बिना मतलब की चीज़ें। यहाँ पे बाइकर हेलमेट, ये तो हाँ ये अच्छी लग रही है, बट वही है उसका प्राइस भी उस हिसाब से ज़्यादा है, 18,000 और ये 25,000। अच्छा हाँ, आजकल ऐसे आ वाले सिस्टम आ रहा है गियर का, चलते रहो गियर डल गया है ना ऐसे, सही है यार 9,000 रुपये में वैसे तुम्हारे लिए तो सही है, दो दिन चला के फिर फेंकनी है तो उसके लिए अकॉर्डिंग तो सही है ये। तो अब हम आ जा रहे हैं क्रिकेट वाले सेक्शन में, बैट बॉल विकेट सब मिलता है यहाँ। और यहाँ पे ना अगर रस्सी वाला लेना है ना छोटे बच्चों के लिए, बॉल से ट्रेनिंग करनी है तो ये ले सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहे हैं हम, ये हमें चीज़ें लेनी है, क्रिकेट के ग्लव्स, पैड्स, शूज, ये टेस्ट क्रिकेट के कपड़े, ये हेलमेट, ये हेलमेट सही है। ये बच्चों का है क्या, ये भारी लग रहा है ऊपर वाला, ये तो छोटा है। हाँ मुझे लग रहा है, ये देखो ये बिगिनर लिखा हुआ है, बिगिनर्स का है ये, इंटरमीडिएट का है, और ये क्या है तो अंपायर की टोपी है, ये मैं ले लेते हैं। मैं अंपायर, चौका, आउट। सिक्स का कैसे होता है, क्या सिक्स का क्या होता है, सही है ये, भाई 2,200 का है, कोई डिस्काउंट नहीं है क्या इस पे? इसमें एडजस्टेबल वाला भी है, जैसे ये थोड़ा सा हल्का या ओपन करोगे तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, दोनों साइड से ओपन करना पड़ेगा। सोच रहा हूँ एक तो ये ले लूँ फिर। ग्लव्स देखो सबसे पहले, ये अब ये देखने हैं पैर में लगाने वाले, ये तो बच्चों के हैं, ये हैं बड़ों के,
L size. हाँ तो L साइज है ना ये, M साइज लो, M साइज ये रहा, हाँ ये रहा, ये सीधे है ना, जब पहनोगे तब मुड़ेंगे थोड़े से. अच्छे नहीं है, अरे अच्छा इसका रिव्यू अच्छा नहीं दोगे तुम? रिव्यू क्या, मेरे को पसंद ही नहीं आया. चल छोटा तो मैं छोड़ ही देता हूँ, टीम के यूज करना है. और ग्लव्स ले, ग्लव्स तो मुझे दिख भी नहीं रहे कहीं. ओके रंग बिरंगे से वो ले लो, ग्रीन कलर का धोनी वाला, धोनी जैसा ग्लव ले लो. हाँ पर वो वाले होते हैं दूसरे. नहीं ये भी अच्छे नहीं. तो क्या सिर्फ हेलमेट लेके जाना है? बहुत बड़े मेरे इसमें साइज होंगे. ये एल, ये किड़ा है, ये कौन सा है पता नहीं, इसका साइज ही नहीं है. इनको स्टॉक नहीं है अभी, एक्चुअली स्टॉक ये दो. तो चलो अभी देख, सिर्फ हेलमेट ही पसंद आया तो कल्ला हेलमेट लेके क्या करना, ये ले लेते हैं. तो ये आप पसंद आ गए हैं, पहले पसंद नहीं आ रहे थे, अब पसंद आ गए. एल साइज ओए, ये तो है ही नहीं इसका अंगूठा ये. हाँ दूसरे वाला देखना, तुम राइट से खेलते हो, बैडमिंटन तो लेफ्ट से खेलते हो, क्रिकेट राइट से. हाँ तो खेलते भी हो राइट से हो फिर. दूसरे वाले में देखना. अच्छा ये एल आर वही लिखा होगा इसमें, लेफ्ट राइट नहीं एक साइड ही है यार, ये साइड होता है, एक साइड होता है. ये देखो एल, एल लिखा है इसमें, तो उसमें भी एल, ये भी वन साइड है. रुक सभी लूंगा मैं, अगर बंदे को पूछो कि स्टॉक में और है तब ले लेना, अगर वो मिल जाएगा तो ही लेंगे. और भाई अब कर दिया गोल, वाह वेरी गुड. चलो भाई हो गए, जीत गए. बस गिर जाएगा इतना बहुत है. तो भाई अभी ने बच्चों की तरह खेलना है, अभी गिर जाएगी तो पता चलेगा इसे. यही थोड़ा बहुत तो कर पा रही बस. चलो भाई बस गिर जाएगी ये, जब तक गिरेगी नहीं तब तक जाएगी नहीं, पक्का गिरेगी ये. भाई इतनी एक्सरसाइज होती है और बस हो गई एक्सरसाइज, बहुत बढ़िया. चलो ठीक है भाई, इतना बड़ा शीशा चाहिए घर के लिए. इतना नहीं मतलब, इससे थोड़ा सा आधा हो जाएगा, इससे हाफ भी चलेगा पर लंबाई करना पड़ेगा. चलो ठीक है यही उठा लेते हैं. मुझे ना इस टाइप का ट्राउजर पसंद है, आर्मी टाइप का थोड़ा सा ना. ओपन करना इसको, तो इसको देखते हैं कौन से कलर तो बहुत है.
सब मिलिट्री की चीजें मिलती हैं। ये मेरे को लग रहा है इसकी लेंथ ज्यादा है, थोड़ी रबड़ भी है, लेंथ ज्यादा है। वो तो कट जाती है बट पता नहीं ये कटवा के देंगे या नहीं। अब भाई ये होके खेलेगी और ये होके देखना भाई ये तोड़ना दे किसी को भाई। चल रहने दे बस 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 बस। तेजस की वाला स्कूटर आज उसने ले लिया। छोटे बच्चे बनने के सारी चीजें हैं यहाँ। इसमें भी गियर हैं क्या? ओह गुड ग्रेट बताओ इस बड़े बच्चे को बताओ कहाँ जा रहा है ये। मजा आ रहा है। अब मैं कैसे चलाते हैं? चलो भाई न्यू ड्राइवर, इसमें तो मजे आ रहे हैं। और इसकी पता नहीं यार अच्छी रोड, वो रोड अच्छी होगी तो चल पाएगा, ये पार्क वगैरह में नहीं चल पाएगा आई थिंक। हल्के हल्के टायर हैं इसके। चलो भाई बढ़िया ओके। अच्छा बाद में लगेगा तो फिर ले जाएंगे। खा गया सब। महाराजा बर्गर मंगाया है इन्होंने। क्या नहीं? नहीं ये नहीं करना। क्या लेने आई है? सोना लेने आई है। और ये आज मेरे आज ये फिर से आ गई शोरूम पे, कहते मुझे सोना चाहिए। कल्याण ज्वेलर। चलो भाई यहाँ से शॉपिंग हो गई, अब चलते हैं घर की तरफ। चलो बाय बाय। चले बर्गर खा लिया यहाँ पर, लिया जो मेरे को लेना था वो तो लिया नहीं, और इसने उल्टा सीधा खर्चा करवा दिया है ना। तो अब आ गए भाई मॉल से बाहर सीधे, और ये इसने अपना काम कर लिया है ना। कार आगे है थोड़ा, कुछ नहीं हुआ, बहुत सारे दो तीन काम थे पर एक भी नहीं हुआ, बस इसने इसका कुछ नहीं किया। बीच में और फिर छोड़ के आया, उसके बाद भी काम नहीं करता। चलो भाई चलते हैं घर की तरफ। ओ वेयर इज द कार? ओके इस साइड। चलो भाई मिल गई, अब चलते हैं घर। अब ऑफिस का ऐसा अच्छा काम ही कर लूँगा मैं, आज कुछ काम भी नहीं कर पाया आज ना, मूड ही नहीं था मेरा काम करने का आज, क्योंकि दो दिन ऑफिस जाके चले गए ना इसलिए। काम तो बहुत है। चलो भाई चलते हैं, और बारिश का मौसम हो रहा है और उससे पहले बारिश आए। चल दोनों के तरफ से बहुत लग जाएगा। ये है जेपी ग्रीन के अंदर वाला एरिया, इसके अंदर जेपी पब्लिक स्कूल है और कॉलेज भी है इसका जेपी का इसके अंदर ना, और इसके अंदर तुम प्लॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ पर देखना 200 गज के ना सबने प्लॉट अपने बना रखे हैं, और कुछ बिल्डिंग टाइप का भी है, और उन्होंने पर्सनल अपना प्रॉपर्टी लेके ज़मीन लेके उसके ऊपर फिर घर बनाया उस पर, ठीक है। और कितना रेट है यहाँ का? रेट नहीं पता मुझे। अच्छा बट और यहाँ पे ना गोल्फ के लिए भी बहुत बड़ा पार्क है, और सामने जेपी हॉस्पिटल है ये वाला है ना, और इधर चले जाओ ये सारे प्लॉटिंग वाला एरिया है, ठीक। और यहाँ पे जो कोई डुप्लेक्स टाइप के घर भी है जो सामने देखेंगे ना, इधर सामने
तो ये पूरा डुप्लेक्स वाला एरिया है, और इसी के साइड में तुम्हें मिल जाएगा गोल्फ का, पर वो मेंबरशिप होगी तो ये अंदर जाने देते हैं, वो जाने नहीं देते, ठीक है? देखो ये वाले ना, ये डुप्लेक्स वाले तो इनके तो यार अच्छे लग रहे हैं, डुप्लेक्स वाले घर, ये डुप्लेक्स वाले घर सुंदर लग रहे हैं, ये बड़े प्यारे से हैं, ये वाले डुप्लेक्स। और यहाँ पे जो इधर अंदर चले जाओ, इधर साइड अंदर ना, इधर ही, तो यहाँ पे ये गोल्फ है, ये वाला, ये पूरा गोल्फ का एरिया है। गोल्फ का एरिया अपना, और इधर है ना जे, ये जेपी भाई टेप, कौन सा जेपी टेक्नोलॉजी का स्कूल करके कॉलेज करके है कुछ, इसका नाम है जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये वाला। तो इनके यहाँ पे बड़ा मस्त हॉस्टल है और सारा कुछ है, तो इसके अंदर है क्या क्या पढ़ाते हैं, सारी ब्रांचेज हैं यहाँ, इंजीनियरिंग कराते हैं। और यहाँ पे ये स्कूल है सामने वाला ना, इधर ही आगे, ओके। और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, हेलीपैड भी है यहाँ पे, ये तो अच्छा है, अच्छा लगा मेरे को, है ना? हाँ। अभी दिखाते हैं, और ये एरिया अच्छा है, ये फर्जी का स्कूल है, अच्छा वो इधर आता है, ये यहाँ पे हेलीपैड है, यहाँ पे दिखाओगे जैसे पब्लिक स्कूल था, ये रहा हेलीपैड, इधर 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 ये रहा, ओके। ये जूम करके, ये हेलीपैड वाला एरिया, ये वाला देख ना, ये यहाँ पे हेलीपैड बहुत बार यहीं पे आते हैं हेलीकॉप्टर व्यू देख सामने देखो, तो इधर साइड अभी कुछ खाली है, बट अभी पता नहीं यहाँ पे क्या है। तो और इधर साइड ये जेपी पब्लिक स्कूल है, ये मेन गेट है, यहाँ से उस दिन यही धरना हुआ था। एफएमजी इधर ही आ गई अब, एफएमजी तो नहीं है, वो थोड़ा दूर उधर अलग साइड है, चलो कम चलते हैं घर की तरफ। मेरा टिकट चलो भाई, मैंने घुमा दिया ये जेपी पब्लिक स्कूल, जेपी के अंदर की सोसाइटी, और जेपी कॉलेज, और यहाँ पर गोल्फ, और यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है इंडोर, बहुत अच्छा वाला है, उसकी फीस है नियर अबाउट 4,000, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, अरे तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसके अंदर ना। और अंदर ही रोड गया हुआ है जो जेपी हॉस्पिटल के लिए निकला है यहाँ पे ना, आगे चल के लेफ्ट लोगे तो वो सारी चीज़ें हैं। ये है जेपी विश टाउन।